इनके लब रंगी की मिठावर के जिसने। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ले हाल। मैं ठीक हूँ, उम्मीद है कि आप भी ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। सवाल इम्पोर्टेंट है, काफ़ी लोगों ने पूछा था कि लॉकडाउन के दौरान जब मस्जिदें खोली गई थी तो बाज़ मस्जिदों में एक हाथ के फासले से जमात की गई थी, यानी नमाजियों के दरमियान में काफ़ी गैप था। तो सवाल ये है कि इस दौरान अगर किसी ने कुछ नमाज़ें इस तरह से अदा कर ली हों ला इल्मी में, या फिर वहाँ मस्जिद का रिवाज ऐसा ही हो कि वहाँ सब इसी तरह खड़े थे और जमात का वक्त था, कोई शख्स शामिल हुआ, आसपास मस्जिद भी नहीं है, तो फिर उन नमाज़ों का क्या हुक्म होगा? क्या उन नमाज़ों को दोहराई जाएगी वो सारी नमाज़ें, या फिर ये नमाज़ वो अदा हो जाएंगी, उनको दोहराने की ज़रूरत नहीं? अव्वल तो ये कि जहाँ शरीयत ने इजाज़त ना दी हो ऐसी जगह पर बेवजह बेहुक्म शरा जिसको बोलते हैं, वहाँ पर सफ़े के दरमियान में यानी दो मुक्तदियों के दरमियान में गैप करना ये जायज़ नहीं है। लिहाजा अगर किसी ने इस तरह से नमाज़ें पढ़ी होंगी, अब चाहे वो मजबूरी रही हो या जो भी सूरत, बहरहाल अब इसकी वो शख्स तौबा कर ले, लेकिन जो नमाज़ें इस हाल में पढ़ ली गई हैं वो वाजिबुल यादा नहीं है, यानी उनको लौटाना जो है वो वाजिब नहीं है। अब रहा है ये कि बाज़ उलमा ने इसको कहा कि ये इस तरह से गुनाह है, नमाज़ पढ़ना जायज़ नहीं है, तो फिर ऐसे इमाम के लिए क्या हुक्म होगा कि जो इस तरह से जिसने मामला किया? असल में सूरत जो है वो ऐसी है कि आप इसमें ख़ुद डिसाइड करें और उलमाए अहले सुन्नत से एक मरतबा इसमें रहनुमाई दोबारा हासिल कर लें और ये मालूम करें कि अगर हुकूमत ने मस्जिद खोलने की इजाज़त दी इस शर्त के साथ कि अगर आप डिस्टेंस रखें, यानी शुरुआत की बात है, अब तो खैर इतना नहीं है कहीं भी, लेकिन शुरुआत में बात है कि अगर मस्जिद में इजाज़त दी मस्जिद खोलने की लेकिन डिस्टेंस के लिए कहा, तो अब आपके सामने सिर्फ दो ही सूरतें हैं, या तो आप डिस्टेंस से नमाज़ पढ़ के मस्जिदों को खुला रखें और उसमें नमाज़ बाजमात अदा होने दें, या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि आप उसमें सफ़े मिलकर खड़ी हो जाएं, यानी सफ़े आपस में मिलकर खड़ी हों मुक्तदियों की, और फिर अगर बिलफर्ज ये बात हुकूमत तक पहुंचे या अपने इलाके शहर के आला अधिकारियों तक पहुंचे, तो फिर वो कोई एक्शन लेके मस्जिद बंद कराएं या नमाज़ रुकवा दें। तो ये ख़ुद डिसाइड करना चाहिए कि ऐसी सूरत में क्या करना चाहिए। अगर थोड़ा गैप करके नमाज़ पढ़ेंगे तो ज़ाहिर है कि नमाज़ें बाजमात होती रहेंगी, लेकिन ख़िलाफ़ वर्जी से या इस तरह नमाज़ें मिलकर पढ़ी गई और मामला खुदा न ख्वास्ता के गलत हुआ, यानी ऐसा हुआ कि मस्जिद फिर कोई पाबंदी आयद हो गई, तो वो ज़्यादा इन दो में से कौन सी बड़ी परेशानी और कौन सी छोटी है? तो जब दो परेशानी हो तो कौन सी को इख्तियार करना चाहिए, एक दफ़ा इसकी तफसील जो है ना उलमा से फिर से समझे। बाज़ मरतबा ऐसा होता है कि लोग जज्बे में भी आकर जवाब दे देते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता, बस ये नाजायज़ है तो नाजायज़ हो ही नहीं सकता, यानी मस्जिदें बंद हो जाएँ तो भी दिक्कत, तो दुआ करें कि अल्लाह ताला से मस्जिदें खुलें और नमाज़ बाजमात हो। अब अगर बाजमात हो किसी शर्त के साथ तो फिर दिक्कत के नहीं, वो शर्त नहीं मानेंगे, तो फिर इसका मतलब ये है कि मस्जिदें बंद ही एक्सेप्ट कर लो अगर नहीं मानेंगे। खैर मैं इस पर कलाम नहीं कर रहा कि क्या होना चाहिए था क्या नहीं, फ़िलहाल वो नमाज़ जो है वो वाजिबुल अयादा नहीं है, लेकिन ये जो है ना ऐसे नाजुक मसलों में जो ये इख्तलाफ़ पैदा होते हैं इससे आवाम बड़ी कन्फ्यूज़ होती है और लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा इंतशार पैदा हो जाता है कि क्या करना चाहिए। जहाँ पे शरीयत में नरम गोशा है और रियायत मौजूद होती है तो वहाँ देनी चाहिए। उसूल भी कहते हैं यही कि जब दो परेशानी आपके सामने हो तो उसमें से छोटी को इख्तियार करना चाहिए। अगर कहीं पे वाकई ऐसी सूरत हाल है कि अगर मस्जिद में बाजमात नमाज मुक्तदी ने मिल के पढ़ी, तो जाहिर है कि वहाँ कोई कंप्लेंट करने वाला मामला होगा या मस्जिद को दोबारा कोई एक्शन लेना पड़ेगा या इमाम साहब आजमाइश में आएंगे, तो फिर जाहिर है कि इमाम भी अपनी रियायत सोचते हैं कि अगर ऐसा ना करने से जमात के साथ नमाज भी हो जाएगी और मस्जिद भी खुली रहेगी,
تو پھر ایک مرتبہ وہاں کے مفتیان اکرام سے جس شہر کی صورت حال معلوم کر لیا جائے کہ ایسے میں کیا کرنا چاہیے. مگر یہ کہ نماز اگر کسی نے جماعت میں گیپ کر کے ابھی جیسا معاملہ تھا پڑھ لی ہو تو وہ نماز جو ہے وہ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. البتہ یہ کہ آئندہ اس کا خیال رکھے, اب تو ایسی صورت نہیں ہے اس لیے نمازوں کو اس میں دہرانا یہ واجب نہیں ہے. پورن بار